मुसलधार वर्षा हो रही थी। अनामिका पूरी तरह से भीग गई थी। बच्चों को वो अपने साथ लिपट ली और रिक्शे से जाने लगी। हे ईश्वर, इतनी बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। इस तरह से वो बहुत परेशान थी और पेड़ की छांव ढूंढने लगी। उसने रिक्शा को एक पेड़ के नीचे रोका और वहां खड़ी हो गई। उसे देखकर एक अंकल आंटी आकर कहने लगे, अरे अनामिका, तुम ही हो ना या कोई और है? ये रिक्शा तुम्हारी है? मैंने तुमसे कहा था मेरे बेटे से शादी करो, लेकिन तुमने कहा नहीं और उससे जाके शादी कर ली जिसे तुम पसंद करती थी। अब रिक्शा चला रही हो? ये कहकर अनामिका को वो जोर जोर से हंसती है। आंटी, आपको मेरी परिस्थिति देखकर करुणा होनी चाहिए थी। ऐसा हंसना ठीक नहीं है। बच्चों के लिए बड़ों के इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, गलत नहीं। अनामिका, तुम्हारी आंटी ने जो कहा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, बुरा मत मानना। पुरुषों के मन में जो करुणा होती है वो महिलाओं के मन में नहीं होती, अनामिका कहती है। फिर बारिश रुक जाती है और बच्चों को लेकर अनामिका वहाँ से रिक्शा में बैठकर चली जाती है। क्या जी, आप अनामिका की बड़ी तरफदारी कर रहे थे? ऐसा क्या अच्छा काम किया है? उसने हमारे बेटे के मुंह पे ना कह दिया था और आप उसी का समर्थन कर रहे हैं। अरे अनामिका बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें पता उसने उस लड़के से क्यों शादी की? क्योंकि उसके माता पिता ने उन लोगों से पैसे लिए थे और ब्याज के साथ साथ वो राशि बहुत अधिक हो गई थी। बार बार पैसे मांगने पर अनामिका के पिता को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे वो उधार चुकाए। जब वो समय पर पैसे नहीं चुका पाए तो उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के साथ अनामिका की शादी करा दे। आहा, अनामिका को उसकी शादी के बाद बहुत सारी बाधाएं मिली। उसका पति एक अच्छा इंसान नहीं है और उसके सास ससुर भी अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन बेचारी बर्दाश्त कर रही है। कई लोगों ने मुझे बताया कि वो बहुत संघर्ष कर रही है। मैंने उसके पिता को ये बताने की कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अनामिका ने ऐसा क्यों किया। एक दिन अनामिका ने खुद आकर मुझसे कहा, अंकल ये सब बातें मेरे पिताजी को मत बताइएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक एक दुर्घटना में उसके सास ससुर की मौत हो गई। एक्सीडेंट में उसके पति ने अपने दोनों पैर खो दिया। पति और बच्चे को जिंदा रखने के लिए वो रिक्शा चला रही है आजकल। तुम ही बताओ, क्या उसने गलत किया है और तुम उसे इस तरह से कह रही थी? अरे अरे, इतने दिनों से मैं अनामिका को इतना गलत समझ रही थी। वो बहुत दुखी हुए। फिर अंकल और आंटी दोनों अनामिका के घर गए। वहाँ अनामिका अपने पति की सेवा कर रही थी और उसे खाना खिला रही थी। अनामिका के पति का दोनों टांग के साथ साथ एक हाथ कट गया था, ये बात उन्हें देख के पता चली। ये देखकर वो दोनों और दुखी हो गए। बेटा अनामिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। आंटी, कोई बात नहीं। अंकल आंटी, आइए बैठिए। अगर आज आपके बेटे के साथ उसकी शादी होती तो इस परिस्थिति का आज सामना नहीं करना पड़ता। उसे भी शायद ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत ऐसी होगी। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मैंने उसे बहुत परेशान किया, पर उसने कभी एक शब्द पलट के नहीं कहा। आज इस परिस्थिति में हूँ, उसने मुझे छोड़ा भी नहीं। एक बच्चे के तरह वो मेरी देखभाल कर रही है आज। इस तरह वो रोते रोते कहा। अंकल ये सुनकर कहते हैं, ज्यादा सोचो नहीं बेटा, इस तरह की लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए। इस तरह से कहकर उन्होंने अनामिका के हाथ में कुछ पैसे देते हैं, पर अनामिका पैसे लेने से इनकार कर देती है। बेटा अनामिका, पैसे खर्च के तौर पे काम आएंगे, उपहार स्वरूप इसे रख लो। इस तरह से उन्होंने अनुरोध किया। अनामिका को फिर वो पैसे लेने ही पड़े। थोड़ी देर वहाँ पे रहकर वो बातचीत किए और फिर निकल गए। कुछ देर के बाद अनामिका के पति कहते हैं, अनामिका, उनके बेटे कुमार की शादी हो गई है। शायद वो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं इस तरह? ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना था, क्या तुम उन्हें एक बार बुलाओगी यहाँ पर? क्यों, मेरे पिताजी से क्यों बात करना आपको? मुझे कुछ काम है, तुम उन्हें एक बार यहाँ बुलाओ। अनामिका ने ठीक है कहा।
अगले दिन सुबह सुबह रिक्शा लेकर वो अपने पिता के घर जाती है। पिता उसे देखकर कहते हैं, अनामिका तुम अचानक यहाँ आ गई, पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे पैसों की क्या जरूरत है और आप मुझसे इस तरह से क्यों पूछते हैं? आपके पास देने के लिए पैसे है क्या पिताजी? मैंने अपने पेंशन के पैसे बचा के रखा है, मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा। तुम मेरी वजह से बहुत संघर्ष कर रही हो बेटा, ये सब कुछ मेरे लिए ही हुआ है। पापा आप प्लीज मत रोइए, दुख होगा अतीत के बारे में इस तरह से सोचने से। अच्छा बताओ क्या बात है? आपके दामाद ने कहा आपको ले जाने के लिए, शायद वो बात करना चाहते हैं। हाँ कहकर वो उसके साथ जाने लगे। रिक्शा में बैठिए पिताजी, मैं ले चलती हूँ। नहीं बेटा, कोई देखेगा तो डांटेगा। क्या मुझे अपने पिता की सेवा करने का कोई हक नहीं? मैं उनकी बातें क्यों सुनूं? आप इतनी दूर चल के नहीं जा सकते हैं ना? रिक्शा में बैठिए, मैं ले चलती हूँ आपको। फिर अनामिका के पिताजी उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं। अनामिका रिक्शा में बैठा के अपने पिताजी को अपने घर ले जाती है। पिताजी आप अपने दामाद से बात कीजिए, और आपका पोता भी वहीं पे सोया हुआ है, कल बारिश में भीग गया था, उसे बुखार आया है, मैंने दवाई दे दिया है, आप देखभाल कर लीजिएगा। मैं जा रही हूँ, दोपहर तक लौट आऊंगी, आप दोनों खाना खा लीजिएगा और मेरे आने तक आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है? इस तरह से कहकर वो चली जाती है। पिताजी फिर अंदर जाते हैं। अनामिका के पति पिताजी को देखकर कहते हैं, ससुर जी बैठिए। ससुर जी बैठ जाते हैं। ससुर जी, कल अनामिका के होने वाले सास ससुर यहाँ आए थे, उनके बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई है, एक बार पूछिए ना अगर वो अभी भी अनामिका को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं तो। ये सुन के ससुर जी आश्चर्य हो जाते हैं। तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो बेटा, क्या हो गया है बताओ? पिताजी अनामिका 25 साल की भी नहीं है, वो अपने जीवन में कुछ आनंद नहीं ले पाए, उसने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया और ना ही कभी शिकायत की, पर मेरे माँ और पिताजी की वजह से उसे नरक दर्शन करना पड़ गया। इस तरह रोते रोते वो माफ करने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर अनामिका के पिताजी को बहुत दुख होता है। पिताजी मेरी जो हालत है इस वजह से मैं उसे अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा और जिंदगी भर उसे मेरी चिंता करनी पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं चाहता, आप उनसे एक बार पूछे और शादी के लिए उन्हें तैयार करें, मैं यहाँ अनामिका को राजी करवा लूंगा। उसने इस तरह से कहा। अनामिका के पिताजी बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। दोपहर को अनामिका घर आती है और देखती है पिताजी घर पे नहीं है, फिर वो कहने लगती है, पिताजी को मैंने यहाँ रहने के लिए कहा था, कहाँ गए वो? अनामिका के पति ने जो कुछ हुआ था वो सब कुछ कहा। ये सुनकर अनामिका गुस्से से कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी बेवकूफी वाली बातें आप कैसे कर सकते हैं? मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, आइंदा से इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें। इस तरह से गुस्से से कहकर वो वहाँ से चली गई। वो दिन निकल गया। अगले दिन वो अंदर गई गुस्से से और बच्चे को अपने साथ लेकर रिक्शा चलाने चले गई। अनामिका के पति फिर कहने लगा, इस तरह से तो वो निश्चित रूप से शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी, मैं अपनी जान दे दूंगा और उसे एक नई जिंदगी दूंगा, इस तरह मैं उसका आभारी रहूंगा। इस तरह से कहकर वो सांस लेना बंद कर देता है और बिना सांस के उसकी धड़कन रुक जाती है। दोपहर में अनामिका घर आती है और पति को देखकर कहने लगती है, अजी अजी क्या हो गया, क्या हो गया? इस तरह वो जोर जोर से रोने लगती है। ये जानने के बाद अनामिका के पिताजी, अंकल आंटी और उनका बेटा कुमार वहाँ आते हैं। वो सभी उसका अंतिम संस्कार करते हैं। देखते ही देखते एक महीने निकल जाते हैं। अनामिका के पिताजी कुमार से उसकी शादी के लिए बात करने लगते हैं। इसके लिए अनामिका राजी नहीं होती। अनामिका तुम्हारे पति की मृत्यु क्यों हुई? एक अच्छा जीवन देने के लिए अगर तुम दोबारा शादी नहीं करोगी तो उसकी मौत का कोई मतलब नहीं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अगर शांति नहीं मिलेगी तो ये तुम्हारे लिए पाप होगा, सोचो। अंकल आंटी तुम्हें अपना बहू बनाने के लिए तैयार है। इस तरह से कहकर वो वहाँ से चले गए। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो लगातार रोती रही। उसके बाद अंकल आंटी दोनों आकर अनामिका को समझाते हैं। अनामिका सोचने लगी। एक दिन अचानक अनामिका को अपने पति की आत्मा दिखाई देती है।
अनामिका, मेरी आत्मा को शांति दो, फिर से तुम शादी कर लो अनामिका और नई जिंदगी शुरू करो। ऐसा वो दुखी होकर कहता है। उधर रोते रोते अनामिका ना ना कहती है। इस तरह अनामिका के पति की आत्मा कई बार आके उससे कहता है। फिर जाके अनामिका कुमार से शादी के लिए तैयार हो जाती है। अनामिका और कुमार की शादी हो जाती है। ये सब देखकर अनामिका के पिता बहुत खुश होते हैं और उसके पति की आत्मा भी शांत होके वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ससुर जी, सासुमा और पति अनामिका और बच्चे का अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर दिन के तरह सूरज, गुलाब, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर सरोजा और अनामिका, सासुमा और बहू रानी दोनों ही खाली बैठे हुए थे। काफी देर बाद अनामिका के पति घर लौट आए और घर लौट के वो कहने लगे, माँ, अनामिका, तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? पिताजी भी ठीक है? आप दोनों बिना मतलब का चिंता कर रहे हो। ये पता नहीं सब ठीक है या नहीं, मैं बहुत डरी हुई हूँ। माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा, वो फिर वापस आएंगे घर, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब वो इस तरह से कह रहा था, उसे एक फोन आता है और पता चलता है कि उसके पिताजी अब नहीं रहे। ये सुनकर उसकी धड़कनें मानो रुक गई हो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों नहीं बता रहे हो? माँ, लगता है पिताजी नहीं रहे। ये कहकर वो अस्पताल के लिए निकल गया और फिर उनकी डेड बॉडी लेकर घर लौटा। डेड बॉडी देखकर उसकी पत्नी सरोजा जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, आपने इस तरह की नाइंसाफी मेरे साथ क्यों की? ये कहकर वो रो रही थी। अनामिका भी बहुत रोई। उसके बाद अंतिम क्रियाक्रम किया गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अनामिका के पति अपने माँ से एक दिन कहने लगे, माँ, मुझे खेत जाना होगा। नाना, तुम खेत मत जाओ, वो सांप तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता है, जिस तरह से तुम्हारे पिताजी की जान ले ली उसने। माँ, हमें पता नहीं खेत में क्या है। उन्होंने कहा था कि कुछ जहरीले कीट पतंग ने पिताजी को काटा था, पर हमें ये नहीं पता कि वो सांप है या नहीं। अगर वो सांप होता तो वो खेत में घूमता और हमारी नजर उस पे जरूर पड़ती, पर अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं दिखा हमें। बस सतर्क रहना पड़ेगा हम सभी को। इस तरह से कहकर वो खेत के लिए निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक इंसान दौड़ते हुए उनके पास आया और आके अनामिका से कहने लगा, अनामिका, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर दोनों बहुत चिंतित हो पड़े। फिर दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबा उनसे कहती है, देखिए, एक बहुत ही भयानक जहरीला सांप आपके बेटे को काट लिया है, हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके बेटे की जान हम बचा सके। उनकी बातें सुनकर दोनों एक दूसरे के तरफ देखते ही रह गए। दोनों काफी डरे हुए थे। ऐसा लग रहा है कि उस सांप को हमारे परिवार के साथ कुछ दुश्मनी है। पहले पिताजी की जान ले ली, अब मेरे पति को काट लिया उसने। इस तरह से कहकर अनामिका काफी रोई। सासुमा और बहुरानी दोनों ने बहुत कोशिश किया उसे बचाने की, हजार हजार रुपए खर्च भी किए। फिर एक दिन अनामिका कहने लगी, सासुमा, हमारे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। आपके बेटे की सेहत फिर भी ठीक नहीं हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो अनामिका, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरह से उसने अनामिका को समझाने की कोशिश की। कुछ दिन निकल गए। एक दिन डॉक्टर साहिबा कहने लगी, आपके बेटे के बॉडी से सारा विष निकाल दिया गया है, पर उसके दोनों किडनी खराब हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जिंदा रहे तो उसे एक किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ेगी। हम देखते हैं अगर एक किडनी काफी है कि नहीं, अगर काफी हो तो आप एक किडनी उसे दे सकते हैं, पर उसके लिए भी काफी खर्च होंगे। उन दोनों ने हाँ कह दिया। सासुमा बहुरानी समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने सारे जेवर बेच दिए, फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। सासुमा, अगर हम अपने खेत को भी गिरवी रखना चाहे तो कोई आगे नहीं आ रहा है लेने के लिए। सब डर रहे हैं सोच कर कि सांप है वहाँ, और इस वजह से हमें पैसे नहीं मिल रहे। दिन ब दिन उधार बढ़ते जा रहे हैं सासुमा। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी बेटा, मैं भी काम ढूंढ रही हूँ, पर कहीं मुझे काम नहीं मिल रहा है अनामिका, उसने दुखी होकर कहा। इस तरह से वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए।
दूसरे दिन सुबह सुबह सरोजा बाहर गई और अंधी बनकर भीख मांगने लगी। बाबू मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ भीख दे दो बाबू। इस तरह से वो भीख मांगने लगी जो भी उसके बगल से गुजर रहा था। कई लोगों ने उसे कुछ पैसे दिए जितने उनसे बन पड़े। अब ऐसा हो रहा था। उधर अनामिका अपने दोस्त के पास जाकर सहायता के लिए गुहार लगाने लगी, पर किसी ने उसे कोई सहायता नहीं किया, उल्टा उसके साथ बदसलूकी की। मैं कुछ भी करके अपने पति को जिंदा वापस ला के रहूंगी, पर मुझे ये नहीं पता क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। हे ईश्वर, आपको मुझे सहायता करनी होगी। इस तरह वो दुखी होकर कहने लगी। फिर अचानक से उसने देखा सासू माँ अंधी बनकर भीख मांग रही है। अनामिका मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है? अब मैं समझ रही हूँ, भीख मांगना ही एकमात्र हमारे पास उपाय बच गया है। मैं अभी जाकर उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ जिससे उनको बुरा लगे, बल्कि मैं भी उन्हीं की तरह करूंगी। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मेरे पति को जिंदा वापस लाने के लिए। इस तरह वो भी अंधी बन के पड़ोस के गांव में भीख मांगने लगी। सासू मां और बहुरानी दोनों मिलकर गांव-गांव में भीख मांगकर पैसे जुगाड़ने लगे। एक एक रुपया उन्होंने जमा किया। फिर एक दिन सासू मां बहुरानी से कहती है, अनामिका तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? तुम्हें कुछ काम मिला है? हाँ सासू मां, पास के ही गाँव में मुझे काम मिल गया है, इसीलिए मैं हर रोज जाती हूँ और वहाँ पे कूली का काम कर रही हूँ। मुझे भी भीख मांगने का काम बंद करके बहुरानी के साथ काम पर जाना चाहिए। बेटा अनामिका, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी काम के लिए। अनामिका भी समझ नहीं पा रही थी उसे क्या कहना चाहिए। वैसे सासू माँ, आप भी पैसे ला रही है ना? ये पैसे कहाँ से आ रहा है सासू माँ? इस तरह से पूछने लगी वो जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। सासू माँ भी समझ नहीं पा रही थी उसे क्या कहना चाहिए। यहाँ पर जो काम है मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं सोच रही थी तुम्हारे साथ काम के लिए आऊँ। सासू माँ, जहाँ हम अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है। ये काम भी काफी मुश्किल है, दिन भर हमें खड़ा रहना होता है। इस तरह से उसने कुछ बहाना मारा और वहाँ से निकल ली। दोनों ही एक दूसरे के जानकारी के बिना भीख मांग के पैसे इकट्ठा कर रहे थे हॉस्पिटल में देने के लिए। जब इस तरह चल रहा था एक दिन उन्हें एक अच्छी खबर मिली। एक इंसान खुद से आए हैं किडनी डोनेट करने के लिए, उन्होंने इस तरह से कहा। उनकी बातें सुनकर सासू माँ और बहुरानी दोनों खुश हुए। ठीक है मैडम, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम पैसे आपको दे देंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। डॉक्टर साहब ने कहा 2 दिनों के अंदर वो ऑपरेशन की शुरुआत करेगी। दोनों सासू माँ और बहुरानी उसकी दवाइयों के लिए बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर रही थी भीख मांग के। एक दिन डॉक्टर ने अनामिका को भीख मांगते हुए देखा। डॉक्टर तुरंत अनामिका के पास जाकर कहने लगी, अनामिका जी आप ये क्या कर रही हैं? आपको भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था डॉक्टर साहिबा, मुझे अपने पति को किसी भी हालत में जिंदा करना ही है, इस वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। काम के लिए मैं हर जगह घूमी पर हमें कहीं काम नहीं मिला, फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कृपया आप मेरे पति या सासू माँ को इस बारे में कुछ ना कहें। आपका दिल कितना बड़ा है उसके लिए जिससे आपकी शादी हुई है, आप क्या कुछ नहीं कर रही है, ईश्वर कृपा बनाए रखे। ये कहकर वहाँ से वो चली गई। जब अस्पताल जा रही थी उसने सरोजा को भीख मांगते हुए देखा। सरोजा को देखकर डॉक्टर साहिबा उससे बात नहीं की। मैडम मैं अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए ये सब काम कर रही हूँ, कृपया आप मेरे बेटे या बहू को इस बारे में कुछ मत कहिएगा। इस तरह सासू माँ ने कहा। डॉक्टर साहिबा ने अपनी रजामंदी जताई उनकी बात पर। हे भगवान, ये इतनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं इसकी जान बचाने के लिए, कितना भाग्यवान है ऐसी माँ और पत्नी पाकर। इस तरह से सोचकर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर उनका बेटा घर लौट आया। सासू माँ बहुरानी दोनों ही उसके आने पर बहुत खुश हुई। फिर दोनों भीख मांगना बंद कर दिए और उसका देखभाल करने लगे। उन पैसों से उन्होंने एक छोटा व्यापार शुरू किया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।